हेलो दोस्तों, 2009 में रिलीज अवतार मूवी को आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो आज के फैक्ट वीडियो में अवतार मूवी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे जिन्हें आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि 2022 में इस मूवी रिलेटेड कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, अवतार मूवी में सैम वर्थिंगटन जो इस मूवी के मेन कास्ट है, मूवी में उन्हें व्हीलचेयर पर दिखाया गया, लेकिन पहले शूट में उनके असली पैर व्हीलचेयर पर टिक गए थे और पोस्ट प्रोडक्शन में डिजिटल रूप से उन्हें हटा दिया गया था। फिर स्टैन विंगसन के स्टूडियो में जॉन ने उनके पैरों का नाप लिया और उसी के कंकाल के आकार का एक रबड़ का नकली पैर बनाया। फैक्ट नंबर टू, अवतार 3D कैमरे के साथ शूट की जाने वाली पहली फिल्म थी जिसे 3D में ही रिलीज किया गया और इसे बेस्ट पिक्चर एकेडमी अवार्ड भी मिला और यह ऑस्कर जीतने वाली पहली पूरी तरह से डिजिटली पर कमाई गई मूवी थी। फैक्ट नंबर थ्री, जेम्स कैमरॉन के मन में जब पहली बार स्काईफाई मूवी बनाने का ख्याल आया तो उन्हें लगा कि यह काफ़ी महंगा होगा और इसे करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग देखी तो उनका विचार बदल गया और उन्होंने भी अवतार मूवी को बनाने का फैसला कर लिया। फैक्ट नंबर फोर, अवतार मूवी को बनाने में लगभग 28 करोड़ डॉलर का खर्च आया और ये 2009 की सबसे महंगी फिल्म थी। फैक्ट नंबर फाइव, इस मूवी में नीले रंग के लोगों को दिखाया गया और कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि ये आइडिया कृष्ण भगवान को देखकर आया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि जेम्स कैमरॉन को ये आइडिया उनकी माँ के सपनों से आया था। एक बार उनकी माँ ने सपने में एक नीली लंबी महिला देखी थी। इसके बाद जब जेम्स ने इसके बारे में पता किया तो उन्हें हिंदू धर्म के राम कृष्ण और विष्णु के बारे में पता चला, फिर यहीं से उनको ये आइडिया आया। फैक्ट नंबर सिक्स, अवतार मूवी में कहीं भी इस मूवी का टाइम क्लियर नहीं किया गया, लेकिन जैक के कैमरे के अकॉर्डिंग इसमें फ्यूचर का टाइम 2154 दिखाया गया है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, इस मूवी में जितने भी जानवरों की आवाज़ सुनाई गई है उनमें से ज़्यादातर आवाज़ जुरासिक पार्क के डायनासोर की आवाज़ सुनाई गई है। फैक्ट नंबर एट, अवतार मूवी ने 2009 में दुनिया भर से 200 करोड़ डॉलर की कमाई करने वाली पहली मूवी थी, साथ ही इसका बजट 28 करोड़ डॉलर था, इसी वजह से ये उस टाइम की सबसे महंगी बजट वाली मूवी भी थी। फैक्ट नंबर नाइन, अवतार मूवी की स्टोरी पे जेम्स कैमरून ने कहा है कि डिस्नी के पोकाहॉन्टस को देखकर उन्हें अवतार बनाने की प्रेरणा मिली और अवतार मूवी के कुछ सीन डिस्नी के पोकाहॉन्टस से भी मिलती है। फैक्ट नंबर टेन, दोस्तों ये मूवी 2022 में इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि अवतार मूवी को बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा था, लेकिन अब इसके तीन और पार्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसमें से अवतार 2 इसी साल 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी और अवतार 3 20 दिसंबर 2024 और अवतार 4 दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है। तो इसके अगले साल में तीन पार्ट आने वाले हैं जिसमें से सेकेंड पार्ट के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय।